And welcome to my first voiceover video. Today we are going to do something crazy. As we all know that IPL playoffs have begun, qualifier one result have already came. SRH versus KKR, SRH lost by 8 wickets. That's sad for me because I am supporting Sunrisers Hyderabad this IPL because it's my favorite team forever. I don't know that they will win or not, but I think they should qualify for playoffs. Today we are going to roast 6 teams which have not qualified for playoffs. Let's begin with MI. अपन हैदराबाद ही पाएंगे अब. सो अंबानी जी एक मास्टर स्ट्रोक खेले थे IPL से पहले. RCB को 17 करोड़ का चूना लगा के ग्रीन बेचे थे उन्होंने, और हार्दिक को GT में से लेके आए थे. तो एक साथ हार्दिक पांडे आ, जैसे हार्दिक पांडे GT में से आए, GT बर्बाद हो गई. साथ में RCB को जो ग्रीन बचे, RCB एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप बना सकती थी कुछ 31 करोड़ से उन लोगों के पास, मगर उन लोगों का 17 करोड़ का छूना खरीद लिया. पागल है RCB की मैनेजमेंट. उस दिन में कोई यकीन हो गया बिकॉज उन लोग बॉलिंग लाइनअप, उन लोगों का सिराज भाई, सिराज पे रन देते अपन सबको मालूम, मगर विकेट लेते. यश दया लास्ट ईयर अच्छा नहीं था, ये साल अच्छा है. अब जानवर अपन RCB की बात कर रहे हैं, अपन MI की बात करेंगे. MI क्या स्टील डील्स में गए, लाइक शलाल को जो वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग करा, 5 करोड़ में ला लिए. वो लसित मलिंगा का लाइट वर्जन, वो बेबी मलिंगा तो भतीशा पति राणा को बोलते, वो तो उनके लाइट वर्जन को लिए. और देवाल बेबी सिलना तो थी, मगर MI की एक अच्छी बात क्या थी, बोलते टॉप 5 बैट्समैन इंडियंस थे. उसके बाद भी MI नंबर 9-10 पे आई जीता. मैं लास्ट टाइम पॉसिबल चेक करा, 9-10 पे MI अगले साल प्ले ऑफ में क्वालिफाई करते हैं लोग. तो रोहित भाई के पास से तो कैप्टनसी लिए पहले, लाइक रोहित भाई को फर्क नहीं पड़ता. अरे रोहित भाई कह रहे यार, अरे यार, अरे यार वाला खस्से हैं उनके, उन्हें क्या फड़ा पाव खाना आता है IPL में. फिर बोले रोहित भाई आपके पास कैप्टनसी नहीं है, तो क्या रोहित भाई को एज अ बैटर खेलना पड़ा. तो 17 साल के IPL में उन्हें एज अ बैटर बहुत कम खेले, मतलब एज अ बैटर नहीं खेलते उन्हें आते वक्त कभी ऐसा दिल करा चलो आज रन बनाएंगे तो बना के चले आते. उन्होंने तो पूरा IPL 37-47 ऐसा बना देते, 200-300-190 के स्ट्राइक रेट से. यार लाइट है रोहित भाई का आपने, फिर भी क्या है मेरे को दिख रहा अगले साल रोहित भाई को रिटेन नहीं करते शायद MI फॉर नो रीज़न. या रोहित भाई का इंटरव्यू नहीं, क्लिप लीक हो गई थी कि लास्ट है वास्ट है, लोगों के बोलने के बात आए. मगर आई थिंक रोहित भाई MI को छोड़ के नहीं जाएंगे फॉर 2025. अगर MI की मैनेजमेंट छोड़ना चाहिए तो रोहित भी कुछ नहीं कर सकते. सो अपन नेक्स्ट बात करेंगे गुजरात टाइटंस की. एज यू नो अभी अपन हार्दिक पांडे की बात कर रहे हैं तो गुजरात की बात कर लेंगे. गुजरात को मैनेजमेंट को हार्दिक भाई खुद बोले अगर MI वाले चाह रहे हैं तो मैं चले आता हूं, उनके गुजरात वाले रोक नहीं सके. उसके बाद आपके स्क्वाड में राशिद खान और केएनन्ना जैसे कैप्टन रख के भी आप शुभमन गिल को कैप्टन बना रहे हैं. चलो लाइक बच्चा अच्छा है, एक्सपीरियंस होता है बच्चे को, मगर आप ऑक्शन में हार्दिक के कुछ 15 करोड़ आके 36-37 करोड़ थे GT के पास. GT वाले स्पेंसर जॉनसन के लिए 10 करोड़ का, उन लोगों का मिचेल स्टार्क को भी गए थे कुछ 23 करोड़ तक गए थे. उसके बाद KKR खरीद ली, दे वेंट शाहरुख खान लाए, विजय शंकर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, राशिद भाई का फॉर्म नहीं चला, मोहित शर्मा आप समझ सकते पहले हाफ में इकोनॉमिकल थे, फिर सडनली मोहित शर्मा अपना 2020 का IPL याद कर लिया दिल्ली के अगेंस्ट. IPL का मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोदा स्पेल उनमें 37 रन का. फिर GT के थोड़े बहुत होप से तो RCB तोड़ दी, 9 विकेट से जीत के. विल जैक्स 31 बॉल्स में 50 करा, फिर 41 में 100 कर लिया 10 बॉलों के अंदर. राशिद भाई को तक छक्के मारा उन्हें, क्या बोलूँ मैं. केन विलियमसन भाई लाइक ही इज़ अ गुड प्लेयर, मगर आप उनको ट्रस्ट करना पड़ता है. ऊपर से उन्होंने डार्क ब्लू जर्सी में अच्छे भी नहीं दिख रहे, सब लोग वहाँ बोल रहे ऑरेंज में अच्छा दिख रहा आदमी. मैं बोल रहा हूँ था काव्या मरण को ऊपर सुन डे केएनन्ना से बात करते करते केएनन्ना हाउ आर यू के काव्या मरण हाउ आर यार यार यू डोंट नो काव्या मरण कौन है, हैदराबाद की CEO है. उन्हें क्या दोनों दोस्तों से तो मैं बोल रहा था किसी प्लेयर को अंदर बाहर करके अपन फिर से ला लेंगे काव्या मरण केएनन्ना को. डेविड वे तो आखिरी साल गिन रहे हैं उनके, फिर भी उनके आखिरी साल में हैदराबाद में खिला लेंगे. अनजान मारो GT क्या है, अच्छी टीम है. उन लोगों को एक मेगा ऑक्शन की ज़रूरत है बिकॉज उन लोगों का पूरी टीम टूट गई. अब क्या है मेगा ऑक्शन से आशीष नारा भाई उल्टी लगा लेके आते उबासी लेते लेते ख़तरनाक प्लेयरा खरीद लेके 2025 में टॉप तो मार रहे हैं GT. अपन PB केस की बात करेंगे. ये टीम
आईपीएल में अभी तक क्यों खेल रही, मैं बीसीसीआई से पूछना चाहूँगा, कुछ काम की तो है नहीं। हर साल आते, लोगों को पॉइंट्स डाल के चले आते, एक अनएक्सपेक्टेड मैच कहाँ से जीत जाते, वो केकेआर के अगेंस्ट 18 ओवरों में 262 कैसा चेस करेगी इन लोगों को कुछ मालूम। हर साल वो रहता गोल नंबर 6 में था, नंबर 5 पे आना है, मगर ये साल क्या है, धवन भाई से कुछ हो गया करते। धवन भाई अब बैगन कैप्टनसी नहीं कर रहे इन लोगों की, आखिरी मैच में भी चितेश शर्मा से कराए, ऊपर से रिकॉर्ड बन गया, पंजाब के 16th या 17th कैप्टन है जितेश शर्मा। सैम करण अच्छी कैप्टनसी करा, बगड़ धवन के उसको अप्रिशिएट करना अपन। 18 करोड़ में बच्चे से क्या करा ले रहे हैं, वो कॉलेज जाने वाला, कॉलेज की कॉलेज जाने वाली उम्र में बच्चा बॉलिंग कर रहा, बैटिंग कर रहा, बैगन कैप्टनसी करवा दे रही, क्या बच्चा है क्या है? अब अगले साल पंजाब की फुल टाइम कैप्टनसी देने कम नहीं है। धवन भाई भी जाकर उनका टॉक शो खोल लिए भाईगन, क्या भुवन बाम के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, मजा आ रही। और कुछ भी ना, धवन भाई को अगले साल अब नई फ्रेंचाइजी में जाने का प्लान है उनका। तो अपन अब LSG की बात करेंगे, पहले तो इनके गधे ओनर की बात करेंगे। अगर उन्होंने वीडियो देख रहे हैं तो पक्का मेरा वीडियो यूट्यूब से हटने वाला है। क्या है, उन्होंने LSG का खरीदे थे 11 करोड़ में, उससे पहले उन्होंने राइजिंग पुणे के ओनर थे, आपको नहीं मालूम राइजिंग पुणे कब खेली आपको नहीं मालूम, तो आप लॉकडाउन में पैदा हो गए। वो क्या है, 2016-17 के IPL में राजस्थान और CSK को बैन कर देते हो, क्या है उन लोगों के ओनरों में से या ओनर के रिश्तेदारों में से ख़तरनाक मैच फिक्सिंग मैच फिक्सिंग करे थे, तो उन लोग असल में परमानेंटली बैन कर देते। वो तो सुप्रीम कोर्ट 2 साल केस चला भाईगा, उसके बाद क्या है वापस आ गए। तो क्या है, उनको राइजिंग पुणे खरीदे थे जब बैन हुई थी, उन्होंने 2016 में धोनी भाई का दिल ना था खेलने का, फिर भी खेल लिए उन्होंने बगैर CSK के, क्या बड़े बड़े बातें करे धोनी को कैप्टन। वो 2016 सही नहीं क्या राइजिंग पुणे का, बड़े बड़े बातें करे उन्होंने, अरे बैगन का कैप्टन नया होता कई को कैप्टन बनेगी, बोल के अगले साल स्टीव स्मिथ को बना, वो राइजिंग पुणे टॉप मान ली वो साल कैसा की। अब मान ली भाई इन धोनी को बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, ऊपर से क्या है IPL का फाइनल हारे पास है मुंबई से, मेरा डिसीजन सही था स्टीव स्मिथ को कैप्टन बनाने का, धोनी बेकार कैप्टन, बेकार नहीं धोनी उतना अच्छा कैप्टन है ही नहीं, क्या देखा कि सचिन को तो रिकमेंड करा कैप्टनसी के वास्ते इंडिया के वास्ते 2007 में। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वापस आए आके LSG के ओनर बने का धोनी वैसे 2-3 बार हाथा मिला लिए, क्या वो 2022-23 में धोनी वैसे माफ़ी मांग ले होंगे, क्या मैं धोनी भाई पहले किरा कदमी आप लोगों को नहीं मालूम, तो उन्होंने एक ख़तरनाक हिस्सा है उनका, मगर उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना अपन अनजान मारो। तो अपन LSG की बात कर रहे हैं, वो SRH से 167 10 ओवर में चेस कर लिए ट्रैविस हेड अभिषेक शर्मा, मेरी फेवरेट टीम ऐसी नहीं है और ना दानवा है, दानवा 10 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ उन लोगों को मैं, जब से क्रिकेट देखना शुरू करा था जी, सनराइजर्स ओनली सनराइजर्स, सर मैच शुरू होता है सनसेट के टाइम पे, मगर हम ना सनराइज कर लेते, ऐसी नया नाम है जी सनराइजर्स, काव्या मरा ऐसी मालिक नहीं है हमारी, आई मीन मालिक की बेटी, लीव इट। क्या है आके KL पे सीख रहे हैं, अब कोई है KL राहुल एक इंटरनेशनल प्लेयर है, वाइस कैप्टन भी था टीम का थोड़े महीनों पहले तक। अब ये सब बात आए ड्रेसिंग रूम में करो, कहीं मीटिंग क्या है कहीं भी करो, होटल में जाके ये सब ग्राउंड में 400 कैमरों के सामने करने की बात नहीं होती है। फिर भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, लखनऊ अच्छी टीम है पूरा बैटिंग लाइन, मगर इन लोग बॉलिंग में खर्चा करना भूल गए, लाइक इनकी बॉलिंग में मैं जितना देखा रवि बिश्नोई के अलावा कोई भी विकेट टेकर बॉलर ही नहीं है, पूरे जवान पुट्टे भरे हुए। रवि बिश्नोई का क्या है, ये साल फॉर्म में चल रहा था, क्या है बैगन ने मिल गई लखनऊ। तो अपन अब DC की बात करेंगे, ये टीम को लोग सपोर्ट कर रहे हैं ऋषभ पंत के वास्ते, हमारे डेविड भाई को तो ले लिया अच्छे हो रहा, क्या बोलूँ खिला रहे तो नहीं क्या कि वो जैक मैक आलू टिक्की को खिला रहे, आई मीन जैक मैक फेज गर्ग जो भी नाम है उसको खिला रहे हैं, मैं जैक मैक आलू टिक्की बोल रहा हूँ अच्छा दिख रहा तो खिला रहे हैं, अच्छा चलो इज्जत देंगे अपन GFM पुकारेंगे शॉर्ट फॉर्म। तो क्या है उन्हें अच्छा कर रहा, मगर उसके जो स्टार्ट दे रहा उन्हें उसको एंड ही नहीं कर रहा। ऋषभ पंत भाई क्या है T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होगा सर, परफॉर्म ही नहीं कर रहे उन्होंने, बोल रहे हैं वो क्रिस्टन सब्स है भाई विकेट कीपर बैट्समैन उससे वो दलवा ले रहे हो बॉलिंग, जा भाई बॉलिंग कर, थोड़े दिन अगर और 2 मैच रहते थे तो विकेट कीपिंग भी उससे करवा लेते थे, फिनिशिंग भी उन्हें कर रहा, ये क्या तमाशे है ये बैगन ऋषभ भाई। फिर भी उनका ओनर क्या है कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, वो संजू सैमसन का कैच पकड़ते कि क्या कि आउट है बोल रहा भाई, ये देखो ऐसे ओनर आ रहे ना नक्को हमारे को देखो अंबानी जी के ऐसे ओनर आओ ना, कभी IPL आके देखे नहीं, सब छोड़ दिए मैनेजमेंट पे बीवी पे,
ये क्या है, कामिनी नीतिमरण को देखो, बेटी पे छोड़ दिया, आरसीबी की मैनेजमेंट क्या है इसकी, रहना मैंने बात करेंगे, ठहर के आउट है, ग्राउंड में चीख रही, देखा तमाशे, आईपीएल है, 4,000 कैमरे है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, इज्जत है नहीं है प्लेयरों की, तुम क्या पैसे दे रहे हो तो एहसान कर रहे हैं प्लेयरों पर। अब अपन बात करेंगे सीएसके की, कई बार तो मैं सीएसके को आखिरी में रखा है व्यूज़ के वास्ते, व्यूज़ समझ रहे तुम लोग, इतने कमीने हैं, मैं सीओडी के शॉर्ट्स या वो डाला FC24 के शॉर्ट्स तो हज़ारों 100 400 व्यूज़ दे रहे हैं, वीडियोस की तरफ पलट के ना देख रहे हैं, बोले क्या है ऐसा रखना पड़ता क्या है चेन्नई सुपर किंग्स का, क्या है वो तो लोग समझ रहे थे गंदा हाल होता, मगर ऋतुराज अच्छी कैप्टनसी करा, नो हेड टू जडेजा, मगर जडेजा से अच्छी कैप्टनसी करा, धोनी भाई क्या आखिरी मैच में फुल खिराक हुए थे फॉर नो रीज़न, ऊपर से आरसीबी वाले उन उठाए हुए थे तो भाई कहना ऐसा सेलिब्रेट कर रहे थे ट्रॉफी जीत के साथ, उनकी कमर में तलवार चले गए और आरसीबी के कोचिंग स्टाफ से हाथ मिला के बाद में विराट भाई गए अंदर। अरे ये आरसीबी बात करी कहाँ से आ जा रही है, और बात करते करते तो अपन सीएसके की बात कर रहे थे, सीएसके अच्छा परफॉर्म करी भाई, केकेआर को 3 टीमें छरा, एक पंजाब कैसार आदि की, एक सीएसके और एक राजस्थान से हारे, राजस्थान क्या है बात करेंगे इस राजस्थान की भी किसी और दिन बोले तो प्लेऑफ्स होते खींच, तो अपन अभी सीएसके की बात करेंगे भाई, मेरे ख्याल से सीएसके थी भाई प्लेऑफ में, वो आरसीबी सडनली पहले 8 मैचों में 1 मैच जीते, बाकी के पूरे हारे, क्या था आखिरी के 6 तो ऐसा जीते हैं, वैसे आरसीबी फैंस को बोलूँगा सनराइजर्स को थैंक यू बोलो, वो हमला क्या है 2 पॉइंट्स दो 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 मैच हम लोग 4 पॉइंट्स दान करने की सोचे थे नजर न लगना बोल के, स्वास्थ्य क्या जीतने दिए, जो केकेआर से आ रही ये भी क्या है किसी को नजर नहीं लगना बोल के, वो क्या कि एवीडी विलियर्स बोल रहा था आरसीबी केकेआर फाइनल होता, भाई भाई अपन भी इधर है उन्हों भी इंडिया में से देखेंगे कौन क्या रहा फाइनल, भाई कहन मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कल का मैच कि आरआर जीतेंगे, अगर ये वीडियो में जब तक डाल दिया तो एलिमिनेटर में जब तक न हुआ तो ये पार्ट या तो कट हो जाएंगे, ना तो अगर मेरे को कट करने का हाथ ना हुआ तो ऐसे अपलोड कर दूंगा मैं, भाई देखो ज़रा सीओडी का कोई भी नहीं है इंडिया में, यहाँ मेरे को बड़ा बना दो बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब करो जल्दी 100 सब्सक्राइब करो, उसके बाद अपन आगे का देखेंगे, ना तो क्या है मैं यूट्यूब ही छोड़ देता हूँ, मैं खाली शॉर्ट डालते रहता हूँ, शॉर्ट देखो तुम लोग और कुछ भी नहीं, 1 मिनट का वीडियो नक्को बल्कि अच्छा खासा गेम प्ले खेल के डाल रहा हूँ मैं, नहीं भाई कहीं को डाल रहा शॉर्ट्स होना भाई गन एफसी के खोलों के डाल रहा हूँ, तो भाई गन क्या है तुम लोग एक दिन 2500 फिर अल्लू कम होगा कल, भाई गन एक आखिर से ये सही डालो तमाशे, भाई हुआ तो देखो क्या है पार्ट कमेंट इन लोगों का डब इंटरव्यू भी लाता हूँ मैं, क्या है लाइक मैं करता हूँ वॉइस ओवर ऐसा ना हैदराबादी में बोल रहे जैसा, अगर तुम लोग हाओ बोले तो ज़रा लाइक सब्सक्राइब शेयर तीनों भी करो, तो क्या है ज़रा उम्मीद बढ़ती है, चलो लोग कर रहे हैं तो क्या है खाली शॉर्ट्स को यूज़ आ रहे हैं, असल वीडियो यूट्यूब क्या है वीडियो से शुरू हुआ था ना, लाइव स्ट्रीम बाद में आया शॉर्ट्स बाद में, क्या ज़रा वीडियो देखो यार, वो असली चीज़ देखना है, बैगन की चीज़ नहीं देखना धोखेबाज के, वैसे मैं शॉर्ट्स देखता हूँ ना यूट्यूब पे, मगर मेरे को शॉर्ट्स पे व्यूज़ आ रहे हैं बोल के डालना पड़ रहा है मेरे को, समझो ज़रा क्या है, वो शॉर्ट्स देखे तो टिकटुक की याद आती मेरे को, वो टिकटुक हमारे कैरी पे टिकटुक गिराए से उन्होंने एक वीडियो में बोले थे टिकटॉक गिराया मैंने जी, भाई क्या है समझो ज़रा, इंस्टा पे फॉलो करो आईडी है, ट्विटर पे फॉलो करो, डोंट एक्सपेक्ट मी टू मैं बोलूँ कि तुम लोगों को फेसबुक पे फॉलो करो, मैं वो जनरेशन का नहीं हूँ फेसबुक की, फिर भी आईडी है समझो, क्या है गेमा खेलने बनाना पड़ता आईडी, और अगर किसी को मेरे सीओडी खेलना है तो नीचे कमेंट करो, मैं एक क्या बोलते सो एक अलग वो बनाता हूँ समझे, बनाता हूँ कुछ, या तो तुम ना मेरे को इंस्टा पे डीएम करो भाई खेलना है बोल के, आईडी का वो दो क्या खेलेंगे अपन मौज करेंगे, मगर भाई देखो दो गेम तो ज़रा वीडियोज़ भी देखो, लाइक से सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो, ये एक्सपेरिमेंट वीडियो है अच्छा दिखा तो लाइक करो, मैं समझ जाता हूँ हर एक बनाने।